दोस्तों ये देखिए, अगर आपके यहाँ पे सीपी प्लस का डीवीआर लगा हुआ है, या सीपी प्लस का आपके यहाँ पे कोई एनवीआर लगा हुआ है, या सीपी प्लस का कोई आईपी कैमरे लगा हुआ है, अगर आपको उसको देखिए ऑनलाइन करने का है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आप उसको किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करने का है कि आपका जो भी डीवीआर है या एनवीआर है, उसको आप लैन केबल के थ्रू आपने जो इंटरनेट लगाया है वो राउटर के साथ में उसको आपको कनेक्ट कर लेने का है। कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ आपका जो डीवीआर है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करने का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन मेनू, और जो भी आपने पासवर्ड डाला है आपके डीवीआर का, तो वो यहाँ से आपको जो पासवर्ड है उसको यहाँ से आपको ओपन कर लेने का है। उसके बाद में देखिए आपके उधर यहाँ पे ऐसे काफी ऑप्शन आ जाएंगे। यह जो डीवीआर है वो न्यू वर्जन है, इसलिए इसके अंदर क्या है फीचर्स क्या है नए आए हुए हैं, मगर आपका डीवीआर जो है वो पुराना वर्जन है उसके अंदर, तो उसके अंदर भी ये देखिए ऑप्शन तो आएंगे ही, नेटवर्क का ऑप्शन उसके अंदर आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नेटवर्क के अंदर चले जाने का है, और नेटवर्क के अंदर देखिए यहाँ पे काफी ऑप्शन आते हैं, जैसे TCP/IP है, कनेक्शन है, 3G है। ओके, तो अपने को क्या करना है, TCP/IP वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का है, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए काफी ऑप्शन आपके एक साथ में ही आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ नीचे देखिए इंस्टा ऑन क्लाउड। ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए कि हमारा जो डीवीआर है वो यहाँ पे अभी ऑफलाइन दिखा रहा है, ये देखिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, TCP/IP में जाने का है। TCP/IP में यहाँ देखिए हमारा जो डीवीआर है उसका जो आईपी है वो दिखा रहा है 192.168.1.240। ओके, तो यहाँ पे देखिए यह जो हमारा डीवीआर है उसके अंदर भी क्या है वो स्टेटिक पे है, तो इसको क्या है यहाँ से हम DHCP जो हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम DHCP ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में आपको अप्लाई करने का है, ओके करके यहाँ से अप्लाई कर देने का है, और उसके बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाने का है। ओके, उसके बाद में फिर आपको एक बार राइट क्लिक करके मेन मेनू में जाने का है। उसके बाद में यहाँ पे TCP/IP, और यहाँ पे देखिए हमारा जो DVR है उसका जो IP है 192.168.1.6 हो गया है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे जाना है क्लाउड के ऊपर, और यहाँ से इसको अभी करना का है अपने को इनेबल। इनेबल करने के बाद में यहाँ से आपको अप्लाई कर देने का है। अप्लाई हो जाने के बाद में थोड़ा आपको वेट करने का है। उसके बाद में हम एक बार फिर दोबारा यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर मेन मेनू, उसके बाद में TCP/IP, ओके, उसके बाद में यहाँ पे इंस्टा ऑन क्लाउड, और यह देखिए हमारा जो DVR है वो यहाँ पे ऑनलाइन हो गया है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपको देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करने का है। अगर आपके पास आईफोन है तो ICMOV करके ऐप आता है, वो डाउनलोड करने का है, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो GCMOB यह वाला जो एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने का है। देखिए मैंने यहाँ पहले ही इसको जो है डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन करने के बाद में इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, तो आपको उसको जो परमिशन है वो आपको परमिशन यहाँ पे दे देने का है। उसके बाद में राइट साइड में देखिए यहाँ प्लस का जो निशान है उस पर आपको क्लिक करने का है, और उसके बाद में फिर एक जो छोटा सा कैमरा जो बना हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है। ओके, और यहाँ पे देखिए अपने को क्या है, दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं, वायर्ड डिवाइस, ओके, वाईफाई डिवाइस, डिवाइस इंटेलाइजेशन, क्लाउड डिवाइस। तो यहाँ पे अपने को जो दो नंबर का ऑप्शन है उसको यहाँ से अपने को सिलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद में अपने को करने का है यहाँ से नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिए अपने को दो ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों ऑप्शन किस तरह से यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो वो केस में आप ओनली एक वाईफाई राउटर लेके आईपी के थ्रू आप अपने डीवीआर को बिगर इंटरनेट के भी अपने मोबाइल के अंदर चला सकते हो, मगर अभी क्या करने का है अपने को इंटरनेट के ऊपर अपने को चलाने का है, तो वो अपने को इंस्टा ऑन जो है उसको यहाँ से ऑन करने का है। उसके बाद में नाम देखिए आप अपने ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख सकते हो,
या आपका ऑफिस का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में SN, SN में ये हमारा जो इंस्टॉल क्लाउड आईडी है वो आपको यहाँ से स्कैन कर लेने का है। उसके बाद में जो आपके DVR का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देने का है। और उसके बाद में नीचे देखिए लाइव प्रीव्यू, और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है यहाँ पे लाइव प्रीव्यू और एक है मेन प्रीव्यू। अगर आपके यहाँ इंटरनेट का स्पीड कम है तो आप एक्स्ट्रा में चलाइए, अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड क्या है अच्छा है तो ये क्या है मेन में चलाइए। मेन के अंदर क्या है आपको जो क्लियरिटी है वो अच्छा आपको मिलेगा। उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट लाइव प्रीव्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो दोनों कैमरे हैं हमारे मोबाइल के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यह जो प्रोसेस है वह बार बार अपने को नहीं करने का है, तो मैं एक बार यह जो एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ से दोबारा ओपन करते हैं। और अभी कैसे करने का है अपने को देखिए, राइट साइड में जो एक छोटा सा कैमरा बना हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है, और यहाँ पे देखिए डिवाइस, मैंने यहाँ पे ऑफिस जो लिखा था उधर आपको टिक करने का है, और यहाँ से आप स्टार्ट लाइव प्रीव्यू। तो इसी तरह से आप अपने DVR को अपने मोबाइल के ऊपर आप चला सकते हो। आपको इसके अंदर कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, और आप घर बैठे ही अपना जो DVR अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट की सहायता से आप चला सकते हो। इंटरनेट जो है वो दोनों तरफ होना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ओनली जो आपका मोबाइल है उसके अंदर ही इंटरनेट हो। जहाँ पे आपका DVR लगा है वहाँ पे वाईफाई इंटरनेट होना भी चाहिए, जिसको आप LAN केबल के थ्रू अपने जो DVR है उसको आप कनेक्ट कर सको। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है उसके अंदर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आप अपने DVR को किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर जो है हम इसी तरह के नए नए वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाते रहते हैं। और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।